हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आइसक्रीम तो सभी खाते होंगे, बच्चों से लेके बड़े सभी खाते हैं। ये देखिए, मैंने चॉकलेट आइसक्रीम बनाई है ओरियो बिस्किट की। ये देखिए, बहुत ही मस्त फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ओरियो बिस्किट से। आप ओरियो बिस्किट का कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया था, उससे मैंने आइसक्रीम बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाई है, स्टार्ट करते हैं। तो ओरियो बिस्किट आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले यहाँ ओरियो बिस्किट। ये मैं ले रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। आप कोई सा भी बिस्किट का ले सकते हैं, कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। और यहाँ पे चाहिए आपको आधा कप दूध, एक खाली ग्लास, आइसक्रीम स्टिक। आपके पास आइसक्रीम स्टिक ना हो तो आप ऐसा स्पून ले सकते हैं। और ये स्पून लेना है और ये भारी सा चीज लेना है इसको क्रश करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्रश कर लेते हैं। ओरियो बिस्किट है, इसको सिंपल क्रश करना है। पूरा अच्छे से आपको चारों तरफ से इसको क्रश कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये क्रश हो चुका है। अब हम इसको ऊपर से काट देंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये क्रश हो चुका है। हमने जो एक ग्लास लिया था उसमें इसको रखेंगे। कुछ ऐसे आपको रखना है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, आधा ही करिएगा पहले। इसको अब एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, परफेक्ट। ये अच्छे से दूध के साथ ये बिस्किट मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम स्टिक। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक स्पून लीजिएगा और उसको ऐसे उल्टा डाल दीजिएगा। तो मेरे पास आइसक्रीम स्टिक है, मैं इसको इसमें ऐसे डाल दूंगी कुछ इस तरह से। अब हम इसको ओवरनाइट के लिए डीप फ्रिज में इसको रख देते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ओवरनाइट रखने के बाद आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेते हैं। वाओ, ये देखिए, बहुत ही मस्त आइसक्रीम बनके सेट हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। वाओ, आइसक्रीम रेडी है। तो फटाफट से आप भी बनाइए घर पे ओरियो चॉकलेट बिस्किट से आइसक्रीम। आप घर पे बना सकते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाई है कि नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।